सारिया पार्टियां एकजुट हुंदियां हुईयां नजर आईयां। थोड़ा जिहा असीं रोशनी पाईए कि किहड़े सी इह मते ते किहड़े ने इह बिल जिन्हां दे उत्ते इह सब कुछ इह पूरा हंगामा होया ते विधानसभा सद्दी गई। पंजाब पहला सूबा बन गया होया जिन्हें कि जो सेंटर दे बिल हैगे आ उन्हां नूं एक तरह दा रद्द कर दिता ते पंजाब वल्लों जिहड़ा हैगा सेंटर नूं सीधा चैलेंज हैगा। जिहड़े पंजाब ते हरियाणे दे किसान ने उन्हां नूं तकरीबन 86% ओह अपनी जिहड़ी MSP ते फसल जिहड़ी आ ओह बीजदे हैगे आ जां ओह वेचदे हैगे आ MSP दे उत्ते, पर जिहड़े सेंटर दे बिल हैगे ने ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਔਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, पर आप इस नूं बिल्कुल भी नकार नहीं सकते। ये बिल की वैल्यू जरूर है, इन्हां दे महत्व जरूर हैं। क्या कि मोदी सरकार जिहड़ी है उन्हां तो जिहड़ा खतरा सानूं उन्ना ही है जिन्ना सानूं गवांढी मुल्कां तो खतरा है। केंद्र दे मते तां खारिज कर दिते जाए क्योंकि हुण गेंद तां चलेगी गवर्नर दे पाले च, हुण गवर्नर दे कोल की अधिकार रह जाणगे पंजाब दे लई। पर जे रोक नहीं लगती और सेंटर धक्के इस नूं करन दे विच कामयाब हो जाता है जे इस दे नाल जिहड़ा हैगा सेंटर दा जिहड़ा आपां कहीए कि हंकार भी बहुत ज़्यादा वधेगा। पंजाब दी विधानसभा दे विच हंगामा भरपूर समय दौरान बिल पास कर दिते गए कि जी कानून जो केंद्र सरकार दे वल्लों पारित किया गया पंजाब दी विधानसभा उसनूं नहीं मानदी, मता पाया गया अते मते नूं लै के चिट्ठी लै के पहुँच भी गए सारे कई विधायकों ने जिन्होंने हामी भराई सी। हामी तो सारे नहीं भरी। मीडिया वाच प्रोग्राम दे विच मैं अमनप्रीत सिंह तुहाडे सारयां दा स्वागत करना। हर वार की तरह इस वार भी खबरां दे विच लुकी हुई खबर अते उन्हां खबरां की पड़चोल किस तरीके दे नाल आसान शब्दों के लिए तुहाडे लई कीती जावे तां जो कि खबर के पिछे दा अंत असली मंतव भी असी वेख पाईए। मीडिया वॉच दे विच कोशिश यही की जाती है। इस हफ्ते दे विच जो वड्डी सुरखी बनी रही पंजाब विधानसभा दे विच पंजाब सरकार दे वल्लों सद्या गया सैशन अते उस सैशन दे विच जो हंगामा होया पंजाब दे लई की कुछ निकल के सामने आया, पंजाब दे किसानां दे लई की कुछ इस वेले स्थिति पैदा हुंदी है, प्रोग्राम मीडिया वाच दे विच अज इस दे उत्ते ही करांगे चर्चा। साडे नाल साडे खास मेहमान जगजीत सिंह जी मीडिया एक्सपर्ट साडे नाल जुड़े हुए ने, उन्हां दा स्वागत करदे हां। जगजीत सिंह जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जगजीत सिंह जी पिछले तकरीबन 1.5 महीने तो असीं देख रहे हां इन्हां बिलां नूं लैके कशमकश लगातार जारी सी, केंद्र दे बूहे खड़कान की गल हुंदी सी, गल ए वी हुंदी सी कि पार्टियां ने समर्थन देना किसानां नूं, लेकिन बीते 2 दिनां दे विच जो विधानसभा दे विच सारियां पार्टियां एकजुट हुंदियां हुईयां नज़र आईयां, थोड़ा जिहा असीं रोशनी पाईए कि किहड़े सी इह मते ते किहड़े ने इह बिल जिन्हां दे उत्ते इह सब कुछ इह पूरा हंगामा होया ते विधानसभा सद्दी गई। बिल्कुल अमनप्रीत, जिद्दां तुसीं दस्सिया कि जिहड़े मते 4 बिल जिहड़े पास कीते गए ने पंजाब विधानसभा दे विच, थोड़ा जिहा आपां इहदी जे बैकग्राउंड ते जाइए ते कैप्टन अमरिंदर सिंह होणां वल्लों पिछले हफ्ते कहा गया सी क्योंकि किसानां वल्लों इह मंग कीती जा रही सी किसान जथियां जथेबंदियां वल्लों कि तुसीं एक स्पैशल जिहड़ा हैगा विधानसभा दा सैशन सत्तो ते इन्हां बिल्लां नूं जिहड़े सेंटर वल्लों बिल कीते पास कीते गए ने उन्हां नूं रद्द कीता जावे। पर कैप्टन अमरिंदर सिंह दा पिछले हफ्ते उन्हां दा बयान आया सी कि असीं किसे प्रैशर दे अंडर आ के कोई भी विधानसभा जिहड़ा सैशन हैगा इह नहीं इस तरह सद्दांगे। पर जो कल होया हैगा अपने सामने ही है कि पंजाब पहला सूबा बन गया होया जिन्हें कि जो सेंटर दे बिल हैगे आ उन्हां नूं इक तरह दा रद्द कर दिता, अपना जिहड़ा स्पष्ट जिहड़ा उन्होंने कह दिता, और इस दे नाल नाल जिहड़े 4 बिल ने विधानसभा वल्लों पास भी किए गए ने, जो उन्हां दी आपां थोड़ी जी दस दईए कि टैक्नीकलिटीज दे विच बिल है की ने, थोड़ी आपां उहदे बारे भी देख लैंदे आ। जिहड़ा पहला बिल हैगा उस दे विच उन्होंने कहा कि किसानां दे सशक्तिकरण ते सुरक्षा, कीमत दे भरोसे बारे करार ते खेती सेवावां, इस बिल नूं भी उन्होंने ऐड किया। दूसरा बिल हैगा कि किसान जिणस व्यापार ते वणज उत्साहित करन अते सुखाला बनाउण दे लई विशेष व्यवस्थावां अते पंजाब सोध बिल 2020। तीसरा बिल हैगा जरूरी वस्तां विशेष व्यवस्थावां अते पंजाब सोध बिल 2020।
कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर पंजाब सोध बिल 2020 ये जिहड़े बिलां दी जे आपां कही के आधार जिहड़े हैगे ने जिहड़े चार बिल कल पास किए गए ने ते ये सारे बिलों के जिहड़े टाइटल हैगे ने बाकी अगली डिस्कशन आपां जिहड़ी इस दे उत्ते होर जिहड़ी करांगे। बिल्कुल जिस तरीके दे नाल ये बिल हुण पास कर दिते गए कि जी केंद्र दे वल्लों दिते गए इन्हां बिलों नूं असीं खारिज कर दिंदे आ, ये कानून असीं खारिज कर दिंदे आ, चलो हुण अगे की कुछ होएगा वह तो हले वेखण वाला समा है। ये बिल किस तरीके दे नाल पंजाब सरकार ने जो अपना एक्शन लिया किसानों के हक के किवें नितर के आएंगे, यानी कि ये पॉजिटिव या नैगेटिव इंपैक्ट पंजाब के संदर्भ तो किस तरीके दे नाल रहने वाले ने। बिल्कुल जो इस दे बिल जे आपां इहनां नूं थोड़ा जिहा डिटेल दे विच जदों आपां इहदा पता करदे आं जां उहदे बारे कोक करदे आं ते आपां नूं पता लगदा है कि एक तां MSP जिहड़ी हैगी आ खास करके दो फसलां कणक ते झोने दे उत्ते जो भी इंसान जां आपां कह लईए जिहड़ी भी कंपनी जां जो भी MSP इत्थे पक्की कीती गई है कि जे MSP तो बिना कोई खरीदेगा तो उस नूं कहिंदे कि जुर्माना भी होएगा ते उस दा नाल नाल आपां कहीए कि उन्होंने कहा कि इहदी 3 साल की जिहड़ी सज़ा की गल है वह भी इस बिल दे विच कीती गई है जी। और थोड़ा जिहा जदों आपां MSP की गल करदे आं ते दूसरे बन्ने जे आपां गल करीए जो सेंटर वालों बिल पहला किए गए थे उन्होंने MSP की गल नहीं सी हैगी, उन्होंने MSP बारे कुछ भी मैनशन नहीं किया होया सी। इधरले बन्ने जिहड़ी है MSP की सिर्फ दो फसलों की गरंटी है। हुण इहदा नैगेटिव पॉइंट यह है कि जिहड़ियां बाकी दियां फसलां जिस दे विच मकई आ जाती है जां नरमा आ जाता है उन्हों का इस दे विच कोई भी गलबात नहीं हैगी, सिर्फ दो फसलों की गल है। पर दूसरे बन्ने जे देखिए कि जदों आपां कह लईए कि किसान मंग करदे सी कि MSP होवे, ये दोनों फसलों की जिहड़ी MSP है उहदी जिहड़ी इस दे विच है। और जदों असीं एक्सपर्ट्स की जे आपां राय लैंदे आ तो वह कहिंदे आ कि ये सिर्फ जिहड़ा MSP का मामला है ना ज़्यादा पंजाब ते हरियाणे दे विच ही है जी, क्योंकि जिहड़ी 6% जदों आपां पूरे देश के किसानों का आंकड़ा लैंदे आ ते MSP ते आधारित सिर्फ 6% ही हैं जिहड़े किसान जिहड़े कि MSP जिन्हां नूं मिलदी हैगी आ। और जिहड़ा वड्डा आंकड़ा इहदे चों सामणे आउंदा कि वह 6% दे विचों जिहड़े पंजाब ते हरियाणे दे किसान ने उन्हां नूं तकरीबन 86% वह अपनी जिहड़ी MSP ते फसल जिहड़ी आ वह बीजदे हैगे आ जां वह वेचदे हैगे MSP दे उत्ते बीजण तों बाद। तो इस करके जिहड़ी MSP आ पंजाब ते हरियाणा वास्ते तां करके बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है। और कितना कितने यही एक वड्डा कारण सी कि जिहड़ा वड्डा विरोध हैगा वह पंजाब दे उत्तों ही शुरू होया और हरियाणे दे विच भी होया। इस दे नाल नाल जिहड़ा बिल हैगा उस दे विच चारां बिलां दे विच कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग दा जिहड़ा इशू हैगा उस दे विच किसान जिहड़े ने जे मान लो कि तुसीं किसे नाल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कीती है तो उस दे विच तुहानूं कोई समस्या आ जाती है, तुहाडे पैसे नहीं दिते जांदे जां कि कह लो कि कोई कलेश हो जांदा, आपां कह लईए कि अपना कोई डिस आर्गूमेंट जिहड़ा हो जांदा है तो तुसीं अदालत दा दरवाजा जिहड़ा खड़का सकदे हो। हुण दोबारा आपां इत्थे जांदे आ जिहड़ा सेंटर वल्लों बिल होया सी, जो सेंटर वल्लों बिल पास कीते गए ने जां जो हुण एक्ट बन गया है उस दे विच तुसीं जिहड़ा हैगा अदालत दा दरवाजा नहीं खड़का सकदे, तुसीं सिर्फ SDM तक जा सकदे हो। ते किसानां दा जिहड़ा खदशा यही सी कि जे असीं SDM तक ही कल्ला जाणा हैगा ते SDM नूं क्योंकि एक छोटा अदारा हैगा ते इस तरह भी हो सकदा है कि कितना कितें जिहड़ा है जिहड़ियां वड्डियां कंपनियां ने जां जिहड़े बिग प्लेयर्स जां प्राइवेट प्लेयर जिहड़े आ जाणे ने उह अपना प्रभाव पा सकदे आ। इस करके जिहड़ा हैगा इस दे विच उन्होंने कहा कि किसान जिहड़े ने वह अदालत का दरवाजा खड़का सकते हैं। तीसरे बन्ने उन्होंने कहा कि जिहड़ी इहदे विच जिहड़ी टैक्सेशन है वह पंजाब सरकार दे कोल ही होवेगी और जिहड़ा उहदा पैसा आएगा वह किसानों के लिए खर्चा जाएगा। होर इस दे विच जमाखोरी ते काला बाजारी नूं रोकण दे विच भी जिहड़ा है इस एक्ट दे विच धारा जिहड़ी आ उन्होंने पाई हुई है। और जदों आपां दिने दूसरे बन्ने देखदे आ कि जो केंद्र वाला बिल हैगा जो एक्ट बन चुका अज दी डेट दे विच ते उस दे विच उन्होंने कहा कि जमाखोरी जिहड़ी आ उह हो सकदी आ कि तुसीं इस तरीके दे नाल जमाखोरी कर सकदे हो क्योंकि उन्होंने जिहड़े मोटिवस ने जो किसान जथेबंदियां दा जिहड़ा कहना हैगा कि वह सारे मोटिवस यही ने कि जिहड़े वड्डे वड्डे प्राइवेट प्लेयर हैगे ने वह हुण एग्रीकल्चर दे विच भी आउणगे, बहुत सारियां फसलां जिहड़ियां वह खरीदणगे। अमन जदों आपां देखदे आ ना बहुत सारे लोग कहिंदे ने जी इहदे च की प्रॉब्लम की हैगी आ, प्रॉब्लम की हैगी आ, बेसिक प्रॉब्लम जिहड़ी है ना क्योंकि उन्होंने जिहड़े मेन जिहड़े 3 बिल हैगे आ ना उन्हां दे विच बेसिक प्रॉब्लम यही आउंदी आ, एक ते जमाखोरी वाली प्रॉब्लम हैगी आ, दूसरी जिहड़ी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग दे विच इह हैगा कि वह कहिंदे कि तुहाडा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा एक वड्डे प्लेयर नाल, तुसीं मान लो कि तुसीं एक बहुत तनाड़ कंपनी हो जिस तरह के अडानीज या अंबानीज हैगे ने वह फिर तुहाडे नाल कॉन्ट्रैक्ट कर लैणगे। कॉन्ट्रैक्ट करन तों बाद वह तुहानूं दस्सणगे कि तुसीं किस चीज़ की खेती करनी है, वो तुहाडा अपना बंदा उत्थे भेजणगे, वो तुहानूं सुपरवाइज करेगा, मतलब एक पासे ते किसान की खुद मुख्तियारी है अपने खेत दे विच
पर जदों बंदा आके सुपरवाइज करेगा फिर उस कंपनी दी टर्म्स एंड कंडीशन के उत्ते किसान खेती करेगा जो कि किसानों नूं प्रवान नहीं है क्योंकि किसान अपनी जो आप कही कि फसल का खेती का पूरा आप मालक सी पर जिहड़े सेंटर दे बिल हैगे ने उह कितना कितने किसान नूं इक मजदूर बनाउंदे ने उहनूं आप मालक नहीं रहण दिंदे और कंपनियां दे आप कह लईए कि सारा कुछ उहनां ते ही डिपेंड होएगा जिस तरीके नाल उह कहणगे उस तरह तुहानूं खेती करनी पएगी जिन्ना पाणी उह कहणगे उह सारा कुछ उस तरीके दे नाल ही चलेगा जिस करके कि किसानां दा खर्चा है और इस करके उह जिहड़ा है वड्डा विरोध जिहड़ा है पंजाब वालों ते हरियाणे वालों हो रहा है और जिहड़ा इस दे विच इक वड्डी गल जिहड़ा चौथा बिल हैगा ना कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर उस दे विच जिहड़े 2.5 एकड़ तक की जिहड़ी जमीन है उन्हां दी कुरकी नहीं होएगी उन्हां नूं इस चीज़ का भी जिहड़ी छूट है वह दित्ती गई है मतलब ये हैगे सी कुछ जिहड़े पॉजिटिव पॉइंट आपां कह सकदे हां कि इस बिल दे विच ते जदों आपां थोड़ा जिहा देख लैंदे हां ना वी इहदे विच घट की हैगा जां नैगेटिविटी च की हैगा उस दे विच आपां पहलां ते कहा कि जिहड़ी सब तो पहलां तां इह हैगा सवाल इह बणदा हैगा कि MSP तय कौन करेगा क्योंकि जिहड़े एक्सपर्ट्स हैगे ने जदों असीं उन्हां दी राय लैंदे हां ते उह कहिंदे कि MSP की उह सेंटर वाली MSP चलेगी जां फिर स्टेट अपनी MSP देगा तो फिर उस तो बाद है कि MSP चलो तय भी आप मान लें हो गई पर इस दे विच सिर्फ दो फसलों की गल है तो बाकी दियां फसलों का की होएगा क्योंकि कणक ते झोने की गल तो होगी पर बाकी भी बहुत सारिया फसलों होंदिया ने उन्हां दा की होएगा इन्हां दे विच उस दे बारे कोई गलबात नहीं है फिर उस तो बाद जिहड़ा है वह कहिंदे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग दे विच कणक ते चौल उत्ते आपां कह लईए कि हुंदी ही नहीं हैगी क्योंकि जिहड़ी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है वह बाकी दियां फसलों दे विच हुंदी है पूरे देश दे विच कणक ते चौल दी जिहड़ी हैगी ना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुंदी नहीं हैगी हाल दी घड़ी ते इह वी इक जिहड़ा इक नैगेटिव पॉइंट्स जिहड़ा हैगा एक्सपर्ट्स ने कहा कि बाकी दियां फसलों इस दे विच जिहड़ियां नहीं आउंदियां और दूसरे बन्ने जे कहीए कि इन्हां बिल्लां दे विच किते वी जिहड़ा हैगा खेती विभिन्नता दी गल नहीं हैगी वो इस तरह होंदा कि जिवें आपां पढ़दे हुंदे सी जदों आपां स्टूडेंट्स हुंदे सी ते उदों भी तुसीं देखिया होणा कि जे इक्को ही टाइप दी तुसीं खेती करी जांदे हो ते जमीन नूं कितना कितने खोखला कर दिंदी है ते इस दे लई यानी कि हुण जिहड़ी आपां पंजाब दी जमीन कर ली है ना कि आपां कहिंदे तां हैगे आ कि साडे सारा कुछ हो रिहा उह सारा कुछ फर्टिलाइजर पा पा के जां होर जिहड़े इदां दे कीटनाशक पा पा के असीं जिहड़ी जमीन है उसनूं इन्ना खराब कर चुके हां कि कितना कितने उह सारा कुछ इफेक्ट अज साडी सेहत ते पै रिहा है अज जे पंजाब कैंसर दा गढ़ बनिया होया ते कितना कितने ये सारा कुछ जो हरित क्रांति दे नाम ते सानू थोपिया गया जां जदों आपां कह लईए कि 1965 दे वाले जिहड़े हालात सीगे जदों देश नूं लोड़ सीगी कि अनाज पैदा करके दित्ता जावे जदों आपां कह लईए कि इक जां ते देश कितों बाहरों आपां कहीए कि इंपोर्ट करदा पर उस तों इलावा जिहड़ा हैगा उहनां ने सोचिया कि चलो पंजाब हरियाणा इधरले बन्ने उपजाऊ जमीन हैगी है इहनां नूं इस बन्ने ला दिओ ते उदों पंजाब नूं पूरा यूज़ कीता गया और अज दे समय जदों हुण आपां कह लईए कि हुण थोड़ा जिहा जदों आपां अंकड़े देखदे हां ना ते अंकड़े दे विच हुण जिहड़ी कणक हैगी है ना इस दे विच इस वार दी जे आपां गल करीए ते पंजाब नंबर एक सूबा नहीं है पंजाब नंबर 2 ते है नंबर 1 दे उत्ते मध्य प्रदेश है मतलब उहनां समयां दे विच जमीनां जिहड़ियां उपजाऊ बाकी दियां स्टेटां विच नहीं सन जी ते पंजाब नूं यूज़ कीता गया हरियाणे वाले पासे नूं यूज़ कीता गया पर जदों हुण अजोके हालातां दे विच उहनां नूं लग रिहा है कि इहनां हुण चारे बन्ने सारा कुछ सुखाला हो गया है ते हुण जिहड़ा असीं इह सारे सिस्टम नूं सेंट्रलाइज़ कर दईए ते कितना कितने जिहड़ा है सारिआं नूं इक्को जिहा ही कर दईए जिस दे विच जिहड़ा है कि पंजाब दे किसान ते हरियाणे दे किसान कितना कितने इस चीज़ दा विरोध कर रहे हैं जी बाहरली कंट्रीज़ दे विच जिहड़े असीं फार्मिंग प्रोसीजर्स देखदे हां किते इक पासे जाके इह वी सोच आ जांदी है कि जी सेंट्रलाइज़ करन दे विच हर्ज ही की है लेकिन वो सेंट्रलाइज हो रही प्रणाली जेकर किसी अजिहे खिते नूं नुकसान देगी जिवें कि असीं किसानां दी गल कर रहे हां तद उत्थे आ के अजिहे विरोध होने लाजमी ने जिवें जगजीत जी तुसीं दस्या कि जी MSP हले भी सूबा सरकार ने भी यकीनी नहीं बनाया है स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट भी ये गल कहिंदी आ रही सी भावें सारिया पार्टियां स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के उत्ते MSP यकीनी बनाने की गल तो करदियां ने लेकिन कितने ना कितने विधानसभा के इस इजलास दे विच MSP की गल ना होना हले भी सूबा सरकार की मंशा जां दूरदृष्टि हले साफ नहीं हुई जां तुहानूं की लगता कि हले गवर्नर साहब किस तरीके का रिएक्ट करनगे अगों केंद्र किवें रिएक्ट करेगी उस चीज़ का भी सरकार वेट जरूर कर रही होएगी बिल्कुल जी और जे आप इस दे बन्ने देखिए ना कि जिहड़ा तुसीं कहे MSP उन्होंने MSP सिर्फ दो फसलों की गल की हैगी है पर जदों आप इस बिल की घोख करते हैं ना तो कितना कितने ये पोलीटिकल जिहड़े हैगे ना आसपैक्ट्स वो ज़्यादा हैगे
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਐਕਸਪਰਟਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਕਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਹੋਇਆ, 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਐਕਟ, ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਵਰਨਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 3-4 ਸਟੈਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। SYL ਨਹਿਰ ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਹੋਣਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਉਹ ਲੜਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ MSP ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ MSP ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ GST ਦਾ 9,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ GST ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਗਰੰਟੀ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਕਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ MSP ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਤਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੀ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਣ, ਕਿਸ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ, ਕੇਂਦਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਾਸ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਕੁਛ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਚੈਲੇਂਜ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ 3 ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਗੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਬੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬਾਖੂਬੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਟੀਸਿਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਐਡ ਆਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਆਪਾਂ ਐਟ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੋਲਡ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ 115 ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ MLAs ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਯੈਸ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, BJP ਦੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ 2 MLA ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ BJP ਜਿਹੜੀ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਨਾਰੀਓ 2022 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸਟੈਪ ਉੱਥੇ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕੜੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
और इस दे विच जो थल्ले जांदी हुई धिर नजर आई क्योंकि कांग्रेस दे दा ठीक है उन्हां दी सरकार आ उन्हां नूं काफ़ी ज़्यादा गेन हैगा, अकाली दल ने भी जिहड़ा अपना बहुत सारी प्रमोशन की वड्डी रैलियां कीतियां पिछले दिनी और उन्होंने अपने एक तरह नाल आपां कह लईए कि वोट बैंक नूं अपने हाथ दे विच जकड़ लिया क्योंकि बेअदबियां करके जां होर बहुत सारियां घटनावां आपां देखिया कि जिहड़े पिछले इलैक्शन होए सन जिहड़े लोक सभा दे उस दे विच सिर्फ दो सीटां ही रह गईआं सन पर दुबारा उन्होंने जिहड़ा गेन हैगा करना शुरू कर दिता होया। पर तीसरे नंबर दे जिहड़ी आम आदमी पार्टी सी एक पासे ते ओह विरोधी धिर दे विच है, एक पासे ते उन्हां दा जे आपां कहीए कि आधार अकाली दल बादल नालों ज़्यादा होना चाहिए सी पर किते ना किते ओह थोड़ा जिहा जिद्दां उन्हां वल्लों इह सारे मसले दे उत्ते सिर्फ बयानबाजी हुई प्रैस कॉन्फ्रेंसां ते हुईआं पर कोई इस तरीके दीआं वड्डीआं रैलियां जां कुछ इस तरीके दा ग्राउंड ते कम जिहड़ा नहीं होया ते किते ना किते आम आदमी पार्टी नूं आउण वाले दिनां दे विच नुकसान दा सामना भी करना पै सकदा है। ते बीजेपी ते अपना बिल्कुल ही जे आपां देखिआ कि ओह ते इस दे विच आए नहीं, उस ते अजे भी इही कह रहे ने कि जी जिहड़े हैगे ना भी आपां कह लईए कि जिहड़े समझाउण दे विच असीं कामयाब नहीं होए जां तां ओह तां किसानां नूं भी इह गल कह रहे ने कि किसान जिहड़े हैगे ने इह किसानां दी गलती हैगी आ उहनां नूं समझ नहीं आ रिहा। ईवन कि जिहड़े बीजेपी दे कुछ लीडर है उन्होंने वालों इस्तीफे भी दिते गए पिछे जे जो उन्होंने जनरल सैकटरी है मालविंदर सिंह वह भी जोड़ा है उन्होंने इस्तीफा दे के आए और उन्होंने कहा कि जदों वो गल करते सन तो उन्होंने इतों तक कहा जाता है कि तुम वक्वादी होकर गल करते हो, तुम नक्सलवादी हो, तुम खालिस्तानी हो, मतलब ये गल् जानने आप बयान दे के उन्होंने कहा कि इस तरीके मेरे से प्रैशर पाया जाता है, मतलब कितना कित बीजेपी किसान के हक में नहीं है। तो इतने जी है ना क्रूशियल पॉइंट यह रहेगा क्योंकि पंजाब के जी हिंदू वोट हैगी है वह कितना कित डिसाइडिंग फैक्टर हों पर जो असी सारा डेटा एनालिसिस करते हैं ना तो पहला की होंगे कि जी हिंदू वोट है वह अकाली दल बादल बीजेपी दोनों कठिया पैंती सी और दूसरे बन्ने कांग्रेस नूं भी पै जांदी सी क्योंकि कांग्रेस वालों कैप्टन अमरिंदर सिंह दे भी बयान आपां देखिया कि पिछले समय दे विच सिखां दे खिलाफ इदां दे बयान आउंदे रहिंदे, उन्हां दा मेन यही हुंदा सी कि मैं हिंदू वोट नूं टारगेट कर लां, वह मेरी पेट वोट बनी रहे, वह अकाली दल वाल ना भुगते। पर हुण जिहड़ा देखना इंट्रस्टिंग यह हो जाएगा क्योंकि जिहड़ा नरेंद्र मोदी फैक्टर है वह हिंदुओं दे विच एज ए एक आपां कह लईए कि उहनूं लीडर दे तौर ते उभरिया हैगा, पूरे देश ने जिहड़ा हैगा नरेंद्र मोदी नूं एक्सैप्ट कीता है। तो हुण इत्थे देखना इंट्रस्टिंग होएगा कि जिहड़ी पूरी हिंदू वोट है क्योंकि पहला तो हिंदू वोट अद्धी उधर पै गई अद्धी उधर पै गई तो जिहड़ा आपां कह लईए कि जिहड़ा डायवर्जन वाला हैगा सी ना जिहड़ी वोट शिफ्ट हुंदी सी उह किधर जांदी हैगी आ उही डिसाइड करदी सी कि किहदी सरकार बननी हैगी आ। पर हुण जिहड़ा देखना यह पएगा कि की बीजेपी सारी दी सारी हिंदू वोट नूं अपने हक दे विच भुगताएगी और दूसरे बन्ने जिहड़ी सिख वोट हैगी आ उह किधरले बन्ने जाएगी जां उहनां वाले समें दे विच जिहड़ा हैगा बसपा दी एक वड्डा वक्खरा वोट बैंक है कि उहनां नूं कोई अकाली दल दे नाल उहनां दा कुछ गठबंधन हुंदा है जां कोई की किते थर्ड फ्रंट कोई तैयार कीता जांदा है और इह सारिआं दीआं जिहड़ीआं निगाहां ने इस टाइम जिहड़ीआं ने उह किसान संघर्ष दे उत्ते लगियां होईआं ने क्योंकि हरेक पार्टी इही चाहुंदी है कि सानूं इस दे विचों वध तों वध पोलीटिकल गेन हो जाए, उह हुंदा है जां नहीं इह आउण वाले समें च होएगा पर हुण तक दा जिहड़ा सिनारियो है उह इह सामणे बिल्कुल जिस तरीके दे नाल असी ए वी वेखण दी कोशिश कीती है कि हाँ पोलिटिकल अधारा जिस तरीके दे नाल इस पूरे मोर्चे दे विच डटदा होया सामने नज़र आया ते हुण इस मोर्चे दे विचों उहनां नूं अपना की कुछ लाहवंद दिख रहा है, किसान जथेबंदियां नूं इन्हां सियासी धड़ियां दे नाल थोड़ा खड़े हो के अपने आप नूं हौसला भरोसा किस तरीके दा मिल रहा है यह तो हुण समां दसेगा क्योंकि पहलां भी ये गल्लां हुंदियां रहियां ने कि जेकर आने वाले दिनों दे विच केंद्र ने थोड़ा भी सुखालापन किसानां प्रति दिता तद थोड़ा चंगा हो सकता, नहीं तो आने वाले 6 महीनों बाद इन्हां सारे बिलों का इन्हां सारे कानूनों का चंगे तरीके दे नाल निचोड़ जेकर कढ़ीए तो माड़े प्रभाव उस वेले नज़र आएंगे। जिहड़े असी पोलिटिकल एंगल की गल कर रहे हैं जगजीत सिंह जी इत्थे अज के समय के 2022 की तैयारियों के किते ना किते हर पार्टी लगी हुई है सानू पता ही है, लेकिन 2017 तो लैके हुण तक पंजाब की कांग्रेस की कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार के उत्ते जो किसानों की खुदकुशियां जो किसानों के कर्जे माफ करने की नीति के तहत सरकार ने जो वादे किए जिन्ने क पूरे किए वह सारे हुण एक पासे हो गए ने ते किसानां दी पार्टी जो पहला श्रोमणी अकाली दल कहाउंदी सी ओह हुण इन्हां मतियां नूं पास करन तों बाद कांग्रेस कहा सकदी है, अजिहा विजन कुछ कांग्रेस लैके तुर रही है, तुहाडे की विचार ने इस दे उत्ते? बिल्कुल आप कह सकते हैं कि इस दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह होना नूं क्योंकि जिस तरीके दे नाल उन्होंने विधानसभा दे विच आपां देखिया ना कि सारा लीड ही उन्होंने किया, फिर उन्होंने कहा जी मैं जिहड़ा हैगा इस्तीफा देने लई भी तैयार हाँ
और पर इस जो है ना सेंटर के नाल सीधी गल आप करके कह सकते हैं कि इस उत्थे सुखजिंदर सिंह रंधावा उन्होंने बोलते हुए कहा कि उन्होंने कहा कि मोदी सरकार जी है उन्हां तों जिहड़ा खतरा सानू उन्ना ही है जिन्ना सानू गवांढी मुल्कां तों खतरा है। मतलब इन्नी वड्डी गल कह देनी उत्थे आपां कह लईए कि विधानसभा दे विच इह अपने आप दे विच जिहड़ा सी सेंटर दे नाल सिद्धी टक्कर वाली गल आपां कह सकदे हां और कितना किते दुबारा जिहड़ा हैगा वोट बैंक नूं कैश करन दे लई सारा कुछ कितना किते सारियां ही पार्टियां जुटियां होईयां ने। हुण अकाली दल दा इस दे उत्ते की स्टैंड हुंदा है क्योंकि इस टाइम जदों आपां देखिआ ना कि गवर्नर नूं भी मिले हैगे आ जां जदों दित्ता हैगा सारा कुछ ते उदों भी सारियां पार्टियां कठियां ही सन उस दे विच आपां कह लईए कि सिमरजीत विरोध दे विच जांदे ने ते उन्हां दा 2022 दे विच वड्डा नुकसान जिहड़ा होण दे जिहड़े चांसेस ने किते ज्यादे जिहड़े वध जांदे ने। जी बिल्कुल, जिवें तुसीं कहा कि मुख्यमंत्री साहब तां कहिंदे ने कि जी असीं तैयार हां, साडी जेब दे विच अस्तीफा पिया, लेकिन कुड़ते दी खब्बी जेब दे विच अस्तीफा ते खब्बे हत्थ तों दित्ता अस्तीफा कदे प्रवान नहीं हुंदा, इह वी दर्शक मंनदे ही होणगे। बहरहाल असीं अगे वधीए, तुसीं गवर्नर साहब दा जिक्र कीता कि गवर्नर नूं जाके मिले, हुण जेकर गवर्नर ऑफ पंजाब VP सिंह बदनौर इस नूं मना कर देण जां इस दे उत्ते कारवाई ना करन ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਤੇ ਤਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਤਾਂ ਚਲੇਗੀ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਪਾਲੇ 'ਚ, ਹੁਣ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ? बिल्कुल, जिदा कि क्योंकि ज़्यादा इस तरीके एक्सपैक्टेड ही है कि गवर्नर इस नकार देंगे, गवर्नर तो बाद फिर प्रेजीडेंट की गल आती है, फिर कितना कितने जोड़ा है केस जाएगा सुप्रीम कोर्ट के जो आप पानिया के मुद्दे की गल करते हैं ना 2004 के भी सिमिलर सिचुएशन हुई सी और केस बाद सुप्रीम कोर्ट चल जाता है और उत्थे जोड़ा है इस टाइम मजोकी जी सरकार है उन्होंने कहा कि असी वे वकील लगावे असी जोड़ा है प्रॉपरली इस केस में फाइट करा, पर एक तरीके जो मेन है ना कितना कितने दोबारा असं यही कह रहे हैं कि इसका ये ऑन ग्राउंड फायदे घट हो गए पर कितना कितने पोलीटिकल जो है ये फायदे हो गए, कितना कितने जोड़ा है मैसेज एक सेंटर गौरमेंट न चला जाएगा कि इस तरीके जोड़ा असी किया होया है जी ये मतियां नहीं मानते हैं इस जो असी खारज करते हैं जब के लोग क्योंकि 115 MLAs जोड़े है उन्होंने जे ये गल कह दी कितना कितने पूरा पंजाब ही जोड़ा है वो एक तरीके सेंटर के अगेंस्ट खड़ा हो चुका है। हुण सेंटर सरकार इसनों किस तरीके नाल लैंदी है ये उन्हां ते डिपेंड करदा है। बिल्कुल, ते हुण केंद्र सरकार ने तां चलो आने वाले दिनों दे विच पता लगेगा ही केंद्र सरकार की कुछ करेगी। बहरहाल खेतीबाड़ी मंत्री तोमर जी का भी बयान आ चुका है कि जी ठीक है पंजाब सरकार ने जे मते पास कर दिते ने, गवर्नर जी जिस वेले साडे कोल भेजणगे तां मोदी साहब दे नाल बैठ के असीं विचारांगे कि किसानां दे लई की कुछ असीं कर सकदे हां। लेकिन हुण जेकर किसानां दे लई गाए बगाए अगे आने वाले दिनों दे विच जे भाजपा ने केंद्र सरकार ने कुछ भी थोड़ा सहूलत देने की कोशिश की ते तो नहीं लगता कि गेम पलट सकती है, जां अज दे समय दे विच केड़ी पार्टी होएगी जिन्नू वध लाहा हो सकता है? बिल्कुल, कितना कितने आप देखा ना कि जदों थोड़ा जिहा असीं जे आप थोड़ा जिहा पिछे चल जाइए तो करतारपुर साहब के लांघे वाला जदों सारा इंसीडेंट होया सी ते उदों भी जिहड़ा हैगा नवजोत सिंह सिद्धू दा नाम काफ़ी ज़्यादा चमक रहा सी कितना कितने, पर उदों भी जिहड़ा हैगा सेंटर वल्लों इह गल्लां कहियां जांदियां सन कि जिहड़ा हैगा ना कि सारा कुछ नरेंद्र मोदी दे करके होया जां सारा कुछ भारतीय जनता पार्टी करके होया, और आपां इह चीज़ कह सकदे हां कि कितना कितने होया उन्हां करके और जां भारत ते पाकिस्तान दीआं सरकारां करके भी है, ये तो आपां नकारा नहीं हो सकते। पर जदों आपां तुसीं दस्सिया ना कि इहदा क्रैडिट एक क्रैडिट गेम हुण चलनी हैगी आ और जिहड़ी पंजाब दे विच इस टाइम क्रैडिट गेम है उस दे विच जिहड़ा हैगा आपां कह सकदे हां कि कैप्टन अमरिंदर सिंह उस दे पासे प्लस पॉइंट लै रहे ने, पर भारतीय जनता पार्टी अपने कल्लियां दे तौर ते 2022 दे विच जे इलैक्शन लड़ना चाहुंदी है ते ओह भी कुछ ना कुछ हो सकदा है कि आउण वाले दिनां दे विच कोई कार्ड प्ले कर लवे क्योंकि पंजाब दी जिहड़ी ज्यादी वसों हैगी है वह पिंडां दे विच ही हैगी है और पिंडां दे लोग ही जिहड़े ने आपां कह लईए कि उन्हां दीआं वोटां बहुत ज़्यादा हुंदीआं ने, कल्ली शहरी वोट दे नाल जे भारतीय जनता पार्टी सोचदी है कि असीं कुछ सीटां जित जावांगे क्योंकि एट द मोमेंट उन्हां दे दिल दे विच अरमान बहुत ज़्यादा वड्डे ने क्योंकि उन्हां नूं लगदा है कि 2014 तों जिहड़ा है पूरे देश दे उच्च दे उन्हां दा जिहड़ा कब्जा हैगा है जां सरकार उन्हां दी हैगी है ते उन्हां नूं कितना कितने यही लग रहा है कि सानूं वध सीटां जिहड़ियां पंजाब दे विच आउणगीआं, पर जे किसान नाराज़ हुंदे ने ते इस तरीके दा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं होएगा, हो सकता कि इन्हां दीआं दो सीटां भी ना रहन। जी
गल हुण सीटां दी हुई है कि दो सीटां भी ना रहन ते दो सीटां तां सिर्फ श्रोमणी अकाली दल को भी है असीं लोक सभा की गल कर लईए संसद दीआं कुल 13 सीटां पंजाब दे हिते आंदीआं पंजाब उन्ना तगड़ा भी नहीं हैगा लोक सभा या राज्य सभा दे विचों भी वेख लईए तां की केंद्र पिछे हटेगी उस संदर्भ तो की कुछ समझिए असीं बिल्कुल और जदों ये सवाल बड़ा इंपोर्टेंट सवाल हैगा कि पंजाब एज ए जदों सीटां दी गल करदे आं ते इधर 13 सीटां ही ने और जे आपां विधानसभा दी गल करिए तो 117 सीटां ही ने एक छोटा सूबा है जदों पूरे भारत दे वल देखदे हैगे आं पर पंजाब नूं जिहड़ा हैगा ना आपां कि जित्तण दी खशा ये शुरू तो ही रही हैगी आ हुण दी गल नहीं है शुरू तो जदों आपां सदियां पिछे चल जांदे हैगे आ जिन्ने भी हमलावर होके आए ने उहनां नूं पंजाब दे रस्ते ही आउणा पिया सी और पंजाब वल्लों ही जिहड़ी पहली चुनौती है वह दित्ती जांदी सी चाहे वह इंदिरा गांधी की एमरजेंसी क्यों ना होवे उदों भी जिहड़ा सी पंजाब वल्लों वड्डे वड्डे जलूस जिहड़े सी संत करतार सिंह होणा वल्लों कढ़े जांदे सन ते शुरुआत जिहड़ी हैगी आ हरेक संघर्ष की जिहड़ी आ पंजाब दे वल्लों ही हुंदी है और यही गल दा जिहड़ा सेंटर नूं कितना किते खशा होएगा हुण डिपेंड ही करदा है कि उन्हां दे थिंक टैंक इस नूं किस तरीके नाल लैंदे ने क्योंकि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट भी है वह भी नहीं आपां उस तों भी इनकारी नहीं हो सकते मतलब पंजाब की इंपोर्टेंस इस पास्यों है सिख वसों बहुत उत्थे ज़्यादा है क्योंकि जदों आपां पूरे भारत की गल करते हैं तो भारत दे विच इस तरह का सूबा कोई नहीं है जिथे कोई होर ज़्यादा कम्यूनिटी वध होवे और जदों आपां पूरे पोलीटिकल सनारियो नूं देखते हैं जिस तरीके दे नाल बाहरों जिहड़ा हैगा बाहरले लोगों नूं वध तों वध पंजाब दे विच लिया के वसाया जाता है और पंजाब दे लोगों नूं मजबूर करके बाहर धक्किया जाता है जदों आपां कह दिंदे आ ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बाहर जा रहे ने उहदा की कारण है उन्हां नूं मजबूर किया जाता है जे सारा कुछ सुविधावां उत्थे होण ते उस दे नाल पंजाब भी वधेगा फुलेगा उत्थे रहण वाले सिख भी वधणगे फुलणगे पंजाबी भी जिहड़े ने वह भी उन्हां दी होर ज़्यादा तरक्की होएगी और कितना किते जिहड़ियां एजेंसीज हुंदियां ने जां उत्थों दे लोक हुंदे ने वह नहीं चाहुंदे कि इस तरीके दा उत्थे होवे ते पंजाब दे लोकां दी इस करके जिहड़ी इंपोर्टेंस है वह वध जांदी है क्योंकि संघर्ष नूं किसे ना किसे ने तां लीड करना हुंदा है और यह सिख कौम दे विच रहा हैगा कि सिखां ने हरेक संघर्ष नूं लीड कीता हैगा और जदों आपां शेरे पंजाब महाराज रणजीत सिंह दी राज करदे आं ते उदों भी खालसे दी कोई इन्ना नहीं सी कि उन्हां ने कोई जनसंख्या दे आधार ते कोई उन्हां ने राज कीता होवे सिर्फ 15% उस टाइम ते भी सिख सन पर उन्होंने जिहड़ा हैगा गुरु साहब की बख्शिश दे नाल उस टाइम ते उत्थे राज कीता सी और इत्थे गल ए वाली गल जिहड़ी है कितना किते विचारधारक जिहड़ा फर्क हैगा है वह उन्होंने पता हैगा और सेंटर ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ ਚਾਹੇ ਗਠਬੰਧਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੀਏ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਉਸ ਬੰਨਿਓ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਨਿਓ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੈਂਟਰ ਬਾਖੂਬੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਸੈਂਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੋਕੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਦਮ ਬਾਏ ਕਦਮ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਕਿਊਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਐਕਿਊਸ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣਗੇ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੈਂਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸਿਸ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਐਰੋਗੈਂਟ ਜਿਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨਿਓਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਹੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਬੰਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਚੱਲਣਗੇ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਜੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਗਾ।